शहजादे, सवाल है आपके लिए। हाँ जी शहजाद, बहुत उम्मीदें थी तुमसे। खैर छोड़ो, कौन होगा ये और कैसी उम्मीदें थी ये? दिव्या या फिजा? एक सेकंड, वो लड़की के जाइयो, वो कुछ कर लियो। ऐसे चला मुझे, पहले हफ्ते में स्टेटमेंट दी थी ना आपने। चला क्या? नहीं नहीं फुद्दू, ठीक है मैं भी बोल रहा हूँ। वो गैंग वो है शहजाद। हाँ जी, ये जो तुमने फेस एक्सप्रेशन लग रहा है ना, यू लुकिंग रियली डम राइट नाउ। आई डोंट नो व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, इसलिए मैं बोलता हूँ वो इस क्वेश्चन भी निकल आता है। शहजाद यू आर रियली लुकिंग डम। मैं किसी के लिए बुरा नहीं लिखा। दानिश हो सकता है जिसने लिखा होगा ये, बट क्या बोलना चाहते हो जिस किसने भी लिखा होगा? उसकी सोच है, मेरे को कोई डम लगता है, उसको मैं डम लग रहा हूँ, उससे बात सच थोड़ी हो जाती है। वो तो ऑडियंस डिसाइड करेगी कौन डम है कौन नहीं है। और मुझे लगता है शायद इसी वजह से इस हफ्ते आप सेफ नहीं हो। यू आर इन द डेंजर। बी विद दिस थॉट, आई विल बी बैक। आफ्टर रिवीलिंग द फैक्ट दैट शहजाद इस हफ्ते सेफ नहीं है, वी डू रियलाइज कि तीन हाउस गेस्ट्स डेंजर में हैं। अपना हाथ खड़ा करें, आप तीनों इसी वक्त सेंटर में आ जाएं। आउट ऑफ ऑल द हाउस गेस्ट्स टुडे, कैम्स, रिया सुबोध, शहजाद देओल, आप तीनों बॉटम थ्री में हैं। और आज आप में से कोई ये घर छोड़कर चला जाएगा। आप में से किसी को कुछ कहना है? अगर मेरी बात जो मैंने उस वे में मीन करते हुए नहीं बोली, स्पेशली टू फैजी को, अगर उसे कोई बात बुरी लगी हो, देन आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई डिड नॉट मीन इट दैट वे। एंड बाकी मेरे को लगता नहीं कि मेरा किसी का कोई कन्फ्लिक्ट रहा है, मैंने किसी का दिल दुखाया होगा। कैम्स सर, मैं ब्लॉक हो चुका हूँ इस चार दीवारी में ना, मैं वैसा हूँ नहीं, मैं खुले आसमान में उड़ने वाला बंदा हूँ। दिमाग चलता है मेरा, बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है। मैंने चलाया भी यहाँ पे बहुत दिमाग, सबके अंदर से सब कुछ निकाला भी है, सबको दिया भी है, सबको जाना भी है। शायद मुझे कोई नहीं जानता जितना मैं इन सबको जानता हूँ। रिया, आपको क्यों लगता है कि आप यहाँ खड़ी हो? पहले ऑब्वियस रीज़न बताओ। क्योंकि मैं अकेली नई थी, क्योंकि चेतना और वरुण एक दूसरे को पहले से जानते थे और उनका अभी बॉन्डिंग भी ज़्यादा हो रहा है, और दानिश और चेतना पहले से थे, तो मैं एक नई थी। पर मुझे पहले से एक्सपेक्ट नहीं था तीनों से कि तीनों मुझे सेव करेंगे, पर फिर भी मेरे मन में ऐसा नहीं था कि मैं तीनों को इक्वली अगर जाऊंगी तो मिस करूंगी। अच्छी एक्टर और एंटरटेनर कोई नहीं है जो एक हफ्ते में से हमारे साथ किया है। हम लिटरली लाइक वी सिट लाइक स्टूडेंट्स। बहुत अच्छा है जो आप इसे कूद के हंस के लगातार बोलते जा रहे हो, कितना मिस करोगे। तो नॉमिनेट नहीं करना चाहिए था उसको, है ना? इट्स सो ईजी फॉर यू टू राइट नाउ से दिस। समवन हु इज स्टैंडिंग देयर ऑन नॉमिनेशंस क्राइंग, you will have to continue standing there. So will Camps. Shahzad, अभी आपका सफर बाकी है। Maisha and you will still share the room together. You are safe because people want you guys to stay together, whether Maisha likes it or not. Go back. उंगलियों पे ही नाचते हो तुम, जाओ गो। रिया, आपको कुछ बोलना है अपने बाकी हाउस गेस्ट्स को? वो होता है ना कि जब यहाँ पे थी तब मुझे बाहर का होता है कि बाहर जाऊँ बाहर जाऊँ, पर आई एम श्योर मैं अगर बाहर गई तो दूसरे ही दिन मैं इनके साथ रात को बैठ के बहुत हम बातें करते थे,
तो वो मैं मिस करूँगी. और मेरी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई, पर अभी फिजा से थोड़ा अनबन हो गया. सो सबको मिस करूँगी, सबको. सबसे ज़्यादा किसे मिस करेंगे आप? दानिश को. दानिश, do you want to say something to रिया? मैं पता नहीं अभी वो जाएगी या नहीं जाएगी, बट मैंने उसको इतना बोला है कि बाहर आने से पहले, बाद बाहर जाने के बाद सबसे पहले मैं उससे कॉन्टैक्ट करूँगा. और उसने बोला है कि उसने इससे पहले भी रियलिटी शो किया था, सब बाहर जाके भूल जाते हैं. मैंने बोला था मुझे देख लेना. कैंप्स, हु विल यू मिस द मोस्ट? सर सबको. सबको? हाँ, मैंने दोस्त बनाया है, दुश्मन कोई नहीं बनाया उसके लिए थम्स अप. एंड मिस तो सर सबको ही करूँगा ऑब्वियसली. तो चलो देखते हैं कौन मिस करेगा. Yeah, Subodh, you're still in this game. लोगों ने आपको काफी वोट्स दिए, लेकिन इतने नहीं दिए कि आप पहले ही सेफ हो जाते. इसको उतना ही सीरियसली लेना जितना कि यू टेक योर करियर. Let me tell you, it was a very little margin. Play this game. Go back. Camps. हाँ जी सर. आपने कहा था कि मैंने यहाँ सारे दोस्त बनाए, एक भी दुश्मन नहीं बनाया. हाँ बिल्कुल. एक घर में जब हम आते हैं या एक जगह जब हम जाते हैं तो हमारे कुछ दोस्त बनते हैं, कुछ से लड़ाई होती है, कुछ से प्यार होता है. हर तरह के इमोशंस में हम गुजरते हैं. वाई डू यू थिंक यू आर लीविंग अस टुडे व्हेन यू हैव सच एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल माइंड? कुछ ऐसा करना था कि मैं नोटिस में आऊँ ना, ज़्यादा सोना, ज़्यादा बात नहीं करना, नहीं तो रात रात भर मैं आकांक्षा एंड अभी बैठते थे चौकी पे, तीन तीन घंटे बात करते थे रात तक. तो था नहीं सर, मैं अपना शरीर ख़राब कर लूँ, अपनी बॉडी ख़राब कर लूँ. एवरीवन डिपेंड्स ऑन मी इन माय फैमिली. बहुत जने हैं, 30-35 लोग हैं जिनकी सैलरी मैं देता हूँ. मैं महसूस कर रहा था कि मैं ख़राब हो रहा हूँ यहाँ पे, कोई और जीत ले अच्छा है. ये घर आपको कितना मिस करेगा आपको मालूम है? यहाँ लोग कितना मिस करेंगे आपको मालूम है? आपने बड़े आसानी से बोल दिया. यू नो, एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है लोगों का कि वो अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते तो बोलते अरे मुझे तो चाहिए ही नहीं था ये कभी. What are you feeling truly? Not यहाँ से तालमेल चाहिए होता है, यहाँ से क्या फील कर रहे हो वो बोलो इस वक्त. सर अभी हो नहीं पा रहा था आगे कि वो ही बार बार कैसे, मतलब जब आकांक्षा लड़ती थी तो मेरा सर दर्द होने लगता था कि भाई तू इतना लड़ कैसे लेती, इतना ऊंचा ऊंचा बोल कैसे लेती है, ये उसको चुप करा रहा है. मैंने बोला करा थोड़ी देर और करा, ये तो कर लें वो तो कर लें. Who will you miss the most here if you have to say one person and why? सर फिजा को ही मिस करूंगा क्योंकि सबसे ज़्यादा बातें मैंने इससे की है. इसकी पूरी लाइफ स्टोरी मैंने देखी है, तो पूरा इसने सब कुछ मुझे बताया अपने बारे में, और शायद किसी को इसने वो बातें नहीं बताई होंगी जो मुझे. तो सबसे ज़्यादा बातें मैंने इससे की है. और आकांक्षा एंड अभिराज, ये दोनों दुश्मन आपस में पर मेरे दोनों दोस्त. सिर्फ ये दोनों दोस्त नहीं है, आई थिंक मैं ये बहुत ओपनली बोल सकता हूँ कि एवरी वन इन दिस हाउस लव्स यू. आई थिंक It's time for everyone to say goodbye to you. Campy! और सारे अभी से बच के रहना, ये अंदर से शैतान है भाई, ऊपर से भोला बन रहा है. दानिश से नमस्कार. हाँ तो मेरे गांव से.
अब कौन आएगा हमारे रूम में? या हम जाएंगे अलग कमरों में? तुम अलग कमरे में, मैं अलग कमरे में, ठीक है? आज फील में थे तुम, मूड में था? हाँ, ऐसे ही रहा करो। ऐसे ही रहूँगा। जो नाउ स्टार्टिंग टू गेट कंफर्टेबल अराउंड द पीपल, यू आर अंडरस्टैंडिंग देम, सो यू आर अ लिटिल मोर ईज्ड आउट आई थिंक, एम आई राइट? ये क्या गधों जैसी स्माइल बनी? पीकबू, शट अप, पीकबू। आई डोंट वांट ईयर ओल्ड राइट नाउ, 25 ईयर ओल्ड। यू नो हु यू गॉट इन अ रिलेशनशिप विद? इन अ रिलेशनशिप अगेन, आई हेट दैट वर्ड। तुम्हारी होगी गलती से, कल नहीं हो रही बात। मैं जनरली पूछ रहा हूँ मेरे को कौन सा करनी होती शादी। क्या बोला? मुझे कौन सा करनी होती शादी? बस तो फिर क्यों, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, मुंह क्यों बन गया? मुंह क्यों बन गया? अरे यार कुछ ऐसा दिए, बहुत सर दर्द दिए। सही कहा था उन्होंने लव वाले, जब जिन लोग लव स्कूल वाले आए थे, क्या बोला था कि अगर कल को विराज को शादी करनी हो तो मैसेज जवाब दोगी? तो वही बात होगी ना, अगर विराज कह रहे रिलेशनशिप, तुम कह रहे हो रिलेशनशिप टर्म नहीं देना, तो हो गया ना हमारा क्लैश ऑफ ओपिनियंस। उन्होंने इस वाली बात पे कहा था क्लैश ऑफ ओपिनियंस तुम्हारा हो सकता है, तुम शादी की बात करो, तुम जवाब नहीं दो। मैं अभी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरली कह रहा हूँ मैंने रिलेशनशिप, तुमने कहा व्हाट डू वी हैव टू टर्म, तुमसे ज्यादा कमिटेड तो मैं हूं, ठीक है? इस रिलेशन जो भी तुम हो, कहां है? नहीं हूं। नहीं ऑब्वियसली है, मेरे से ज्यादा का मतलब क्या है? मतलब इन द सेंस आई एम मोर रिस्पांसिबल। सो सो मींस रिस्पांसिबिलिटी की बात कहां से आई? शट अप, आई लव यू मोर। या यू थिंक सो? आई नो सो एंड यू कैन सी सो। ये अगला क्वेश्चन पूछना चाहिए, हु डू यू थिंक लव्स हु मोर? आई स्टैंड बाय यू regardless of whatever.